इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे, इनसे पूछे कि आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा, आप उनसे पूछे कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे बोले तमंचा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तमंचा, नदियां साफ नहीं कर पाए तो तमंचा। इसलिए मैंने कहा कि ओल्ड हैबिट्स हार्ड टू डाई। और जो महंगाई के सवाल हैं, आज बताइए सिलेंडर की कीमत क्या है, किसान क्या गेहूं खरीद लिया, आप जो पैकिंग में आटा खरीद रहे हो कितना महंगा खरीद रहे हो, एक परिवार में महिला समझती है कि इस सरकार की महंगाई की वजह से घर का कितना संकट आ गया है, सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, आपके जितने भी तेल है खाने पीने के सब महंगे, महंगाई का जवाब नहीं है। महंगाई पे सवाल करोगे तो कहेंगे तमंचा, बेरोजगारी की बात पूछोगे तो कहेंगे तमंचा, आखिरकार है क्या इनके अंदर। आपका आपका एक मेयर प्रत्याशी एंड मौके पर बीजेपी में शामिल हो गया, नहीं हम लोग लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे करते हैं, अगर कोई कार्यकर्ता है चुनाव लड़ रहा है तो हम उसको निराश नहीं कर रहे। आपका एक मेयर एंड मौके पहले शामिल हो गया बीजेपी में, उसमें क्या कहेंगे आप शाहजहांपुर में? बीजेपी का दिवालियापन है, सोचो बीजेपी वाले सांड तो हटा नहीं पा रहे, बोले अगर सांड की समस्या पूछो तो बोले तमंचा, सड़क में अगर गोबर पड़ा है तो बोला तमंचा, सड़क में गड्ढा है तो बोला तमंचा। अरे ये भाषा में और हर बात का जवाब तमंचा ही रहने वाला है, हमारा सवाल नहीं है, जिन लोगों को ध्यान हटाना है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैंने अंग्रेजी में कहावत की ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, जो ये बात सुनेंगे वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अखिलेश जी निकाय चुनाव में जाना एक तरफ, स्मार्ट सिटी बनाए होते तो हुंकार भरते, जब स्मार्ट सिटी नहीं बनाया तो कैसे हुंकार भर रहे हैं। अखिलेश जी 2012 में अपने अपने चुनावी साइकिल चलाई थी यहाँ पर, उस समय और आज की गाजियाबाद में क्या अंतर है? देखिए वो नहीं, मुझे उम्मीद है कि एक पढ़ी लिखी और जिसके पास अनुभव है घर परिवार चलाने का, उस इस बार गाजियाबाद की जनता पूनम जी की मदद करेगी, एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डालेंगे। सर क्या चाचा नाराज नहीं है? चाचा की बात करें तो चाचा नाराज भी, चाचा साथ है, सुना है कि उनके साथियों को सर टिकट नहीं दी आपने निकाय चुनाव में? इस बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है और समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएमएसपी से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है, इनके पैसे से लड़ना है, इनके टीवी चैनलों से लड़ना है, तो सोचो कितना कड़ा मुकाबला है, उसकी बात भी समाजवादी पार्टी की जीतेगी। अखिलेश जी अखिलेश जी बहुजन समाज पार्टी ने सभी मुस्लिमों को टिकट जाकर दिए हैं। ये महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सड़कें बनी नहीं जो बनानी चाहिए थी, सुविधाएं देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए, आगे से पूछिए और कानून की धज्जियां उड़ाकर क्यों रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।